विनोद बाबू का शरीर हाड़ मांस वाला शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हैं। और जब तक मुझे लगता है ये झारखंड रहेगा, जब तक इस धरा पर दामोदर नदी रहेगी, तब तक विनोद बाबू की विचारधारा रहेगी। इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल होगा, टाइगर का दहाड़ नहीं। जो भी होगा उसके लिए हम लोग बस। नारा देने वाले विनोद बाबू का मूर्ति का अनावरण आपके हाथों द्वारा आज किया गया, क्या कहना चाहेंगे जो झारखंड के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं? ये सौभाग्य हमारा कि उस महानायक की प्रतिमा का अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ चुनौती है कि जब उस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किए तो चुनौती अभी है कि हम भी पढ़े लिखा युवा है, उनकी पढ़ो और लड़ो की जो विचारधारा है उसे किस हद तक हम लोग ग्रामीणों के अंतिम पायदान तक पहुंचा पाएंगे, ये चैलेंजिंग विषय है। आज उनकी 101 जयंती और 100 वर्षगांठ, लेकिन उसके बावजूद मेरा मानना है उनकी विचारधारा गांव-गांव तक नहीं पहुंची है। आज 23 सालों का झारखंड जिसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, लेकिन आज भी विनोद बाबू की विचारधारा से हम अछूते रह गए हैं। अतः विनोद बाबू की विचारधारा को धरातल पर ले जाना पढ़े लिखे नौजवानों का काम है, और तभी झारखंड की कायाकल्प और झारखंड के लोग अपने झारखंडियत के साथ जीवन यापन कर सकते हैं। आप हजारों सैकड़ों सभा कर रहे हैं, उनके विचारधारा किस रूप से और विनोद बाबू हर जनसभाओं में विनोद बाबू की विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पढ़ो और लड़ो की शक्ति के कारण आज हम सरकार से लड़ रहे हैं, और अपनी पढ़ाई के कारण आज 2 साल से टिके हुए हैं और आगे 20 साल भी टिकेंगे। तो कहीं ना कहीं विनोद बाबू की विचारधारा के कारण हम आज इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। विनोद बाबू की जयंती का 100 साल पूरा हो चुका है, उनके विचार कब तक रहेंगे? देखिए, विनोद बाबू का शरीर हाड़ मांस वाला शरीर हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हैं। और जब तक मुझे लगता है ये झारखंड रहेगा, जब तक इस धरा पर दामोदर नदी रहेगी, तब तक विनोद बाबू की विचारधारा रहेगी। दादा, पहले जो मूर्ति अनावरण जितने भी वीर शहीदों की रहती थी, नेता मंत्री मान्य विधायक लोग होती थी, आज आंदोलन चूंकि विनोद बाबू की विचारधारा के हम लोग नेता मंत्रीगण खुद पढ़े लिखे नहीं होते थे, वोट बैंक के नाते विनोद बाबू को मूर्ति अनावरण करते थे, बिरसा बाबा की मूर्ति का अनावरण करते थे, लेकिन हम लोग विनोद बाबू को मानते हैं तो विनोद बाबू के रास्तों पर चले भी हैं। आज एक निर्धन अवस्था से हम PhD तक का सफर किए हैं, विनोद बाबू की विचारधारा को मानते हैं तभी अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़े। बाकी हमारे पास छोड़ने का भी कारण था, हमारे पिताजी का 2 साल मेरी आयु थी, मेरे पिताजी का देहांत, तो हमारे पास अनगिनत कारण थे कि हम अपनी शिक्षा को छोड़ सकते थे। अतः वास्तव में अगर कोई है तो पढ़े लिखे नौजवान ही विनोद बाबू की विचारधारा के प्रेरक बन के आगे ले जा सकते हैं। तो नेताओं को वोट बैंक के कारण आते थे, हम लोग वास्तव में जब हम लोग आंदोलन 2 साल का नहीं हुआ तो उससे पहले भी विनोद बाबू की विचारधारा से प्रेरित थे। अखबार के पन्नों पर हमारा आर्टिकल छपता था विनोद बाबू को लेकर, तो ऐसा नहीं है, विनोद बाबू को हम लोग सदैव माने हैं और उनकी विचारधारा जब तक दामोदर की नदी रहेगी तब तक। अभी आप कहाँ जाने वाले हैं? हाँ, तो हम देख ही रहे हैं यहाँ मौसम में आपके आगमन। देखिए, चूँकि हमको लगता है कर्म के बारे में लोग जो सुनना चाहते हैं, हम सही सुनना चाहते हैं, उसको सुनाए तो बेहतर होगा, हम यही चाहते हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल होगा, टाइगर का दहाड़ नहीं। इंडिया पाकिस्तान का मैच कैंसिल हो सकता है, लेकिन जयराम का जो है सभा कैंसिल में लगे हैं लोग, सब लोग टाइगर जयराम महतो से एक यादगार पल लेना चाहते हैं। ये अभी आप लोग देख पा रहे हैं टीम मोड़ का, टीम मोड़ दुगदा बोकारो का, जहाँ पर टाइगर जयराम महतो जो है झारखंड के पितामह विनोद बिहारी महतो जी का जयंती के दिन उन्हीं का एक प्रतिमा का जो अनावरण करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे, और इनके साथ जो समर्थक हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बोकारो, धनबाद, रांची, गिरिडीह, रामगढ़,
जगह जगह से लोग पहुंचे हुए हैं। भैया जो भी होगा उसके लिए हम लोग हमने किधर हमने कहा।